बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पैथोलॉजी ऑफ किडनी एंड इट्स कलेक्टिंग सिस्टम। आज से हम किडनी एंड इट्स कलेक्टिंग सिस्टम की पैथोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। रिवीजन बेस्ड वीडियोस होगी और ये चैप्टर नंबर 14 से है मीडियम रॉबिन के। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ना क्या है, इस चैप्टर के अंदर आपने किडनी और इसके कलेक्टिंग यूरिनरी ट्रैक की पैथोलॉजी को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये दोनों काम कर लेना। तो किडनी के हमारी बॉडी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है। नंबर वन, एक्सक्रीटरी फंक्शन फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। नंबर टू, रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर एंड द साल्ट। नंबर थ्री, किडनी का फंक्शन है कि उसने एसिड बैलेंस को मेंटेन करना होता है। नंबर फोर, किडनी ने हार्मोन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रेशन भी करनी होती है। तो पहले चार पांच लाइनों के अंदर हमने किडनी के फंक्शन को देख लेना है। पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किडनी को चार स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं, ग्लोमेरुलस, ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियम एंड द ब्लड वेसल्स ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजी। अब ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजी डिमार्केशन, इसके दो फायदे हैं। नंबर वन है कि ग्लोमेरुलस के, ट्यूब्यूल्स के, इंटरस्टिशियम के और ब्लड वेसल के जो डिजीजेज हैं इनकी स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, स्पेसिफिक साइन और सिम्टम होते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंजरी से वल्नरेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्लोमेरुलस के अंदर जो इंजरी होती है वो इम्यून मीडिएटेड होती है, जबकि जो ट्यूबुलर और इंटरस्टिशियम के डिसऑर्डर होते हैं वो मेनली टॉक्सिक और इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होते हैं। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो किसी एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करते हैं, और कुछ ऐसे डिजीजेज होते हैं जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करते हैं, और कुछ ऐसे डिजीजेज होते हैं जो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करते हैं। ओके, दैट मींस इनका आपस में फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस है, फंक्शनल इंटरकनेक्शन है। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर ग्लोमेरुलस की इंजरी होती है, ग्लोमेरुलस डैमेज होता है, तो वो पेरिट्यूबुलर वेस्कुलर सिस्टम की तरफ ब्लड फ्लो को इंपेयर कर देगा। पेरिट्यूबुलर वेस्कुलर सिस्टम के पास ब्लड फ्लो नहीं आएगा तो इसकी वजह से उनकी नेक्रोसिस हो जाएगी। या अगर ट्यूब्यूल्स की डिस्ट्रक्शन होती है तो वो इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर को बढ़ा देते हैं, और जब इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ जाएगा तो साइटोकाइंस और कीमोकाइंस की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। फाइनली ग्लोमेरुलर सक्लोरेसिस हो जाएगा, ओके, फिब्रोसिस हो जाएगा। डैट मीन्स के इंटरडिपेंडेंस आपको देखने को मिलती है। और अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज कुछ ज्यादा प्रोग्रेस कर गया तो क्रॉनिक किडनी डिजीज की एडवांस स्टेज को हम एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं। इसमें चारों कंपार्टमेंट किडनी की डैमेज होती है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, ठीक हो गया। और चूंकि किडनी के अंदर काफी ज्यादा फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी होती है, डैट मींस के जो अर्ली साइंस होते हैं किडनी डिजीज के वो हमें नजर ही नहीं आते, और जब नजर आते हैं जब किडनी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रीनल डिजीज, तो रीनल डिजीज की कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है, दो इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ओके, जो नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इसके अलावा आपने कुछ और चीजें भी देख लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, ए सिप्टोमेटिक रिकरेंट हेमाचूरिया, प्रोटीन यूरिया, इसके बाद रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी इंजरी, एंड स्टेज रीनल डिजीज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और नेफ्रोलिथियासिस। तो कुछ दो इंपॉर्टेंट हम टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं, एजोटीमिया और इसके अलावा यूरीमिया, इसमें क्या फर्क होता है। तो इन दोनों को आपने समझना है। एजोटीमिया कॉज होता है और इसके इफेक्ट को हम यूरीमिया कहते हैं। एजोटीमिया में सिंपली होगा क्या, ये मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव है कि इसके अंदर BUN और क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और ब्लड क्रिएटिनिन, इसका लेवल ज्यादा हो जाएगा। अब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल ज्यादा होने का मतलब है कि GFR कम हो गई है। अब GFR तीन वजूहत की वजह से कम हो सकती है, दैट इज वाई हम एजोटीमिया को तीन कंडीशन में डिवाइड कर देते हैं, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल और पोस्ट रीनल में मसला किडनी से बाहर पड़ा हुआ होता है, लेकिन रीनल के अंदर मसला किडनी के अंदर पड़ा हुआ होता है। प्री रीनल एजोटीमिया जब होता है जब किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम से कम हो जाता है। ओके, तो जो हाइपरपरफ्यूजन की वजह से रिड्यूस एक्स्ट्रा सेल, यानी जो हाइपरपरफ्यूजन होती है वो शॉक की वजह से होती है, इसलिए वॉल्यूम कम हो जाता है। तो फाइनली हाइपरपरफ्यूजन की वजह से GFR कम हो जाएगा। ओके, लेकिन किडनी का भी पैरेन्काइमा डैमेज नहीं हुआ, और ये रिवर्सिबल हो सकता है अगर आप हाइपरपरफ्यूजन को ठीक कर देते हैं। रीनल के अंदर मसला किडनी के डिजीज का होता है, पोस्ट रीनल
रीनल एजोटीमिया उस वक्त होता है जब यूरिन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से, और आप ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक कर दो तो पोस्ट रीनल एजोटीमिया भी ठीक हो जाएगा। अगर एजोटीमिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करवाए और सिस्टेमिक बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन एबनॉर्मेलिटीज हो तो उसको हम कहते हैं यूरीमिया, यानी पहले ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और केराटिनिन का लेवल ज्यादा होगा, उसकी वजह से आपको साइनोसिप्टम देखने को मिलेंगे, उसकी वजह से बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज होती तो उसको बोलेंगे यूरीमिया। अब यूरीमिया के अंदर पांच चीजें होती है ना, यानी तीन, यानी कुछ ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, रीनल में मसला आएगा, जीआईटी में मसला होगा, न्यूरोमस्कुलर में और कार्डियोवास्कुलर में। तो रीनल इन्वॉल्वमेंट के अंदर किडनी का जो एक्सक्रीटरी फंक्शन ये खत्म हो जाएगा, इसके अलावा मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन अल्टरेशन होती है किडनी के डैमेज होने की वजह से, तो ये तो रीनल इन्वॉल्वमेंट हो गया। जीआईटी इन्वॉल्वमेंट के केस में यूरेमिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है। न्यूरोमस्कुलर इन्वॉल्वमेंट के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। सीवीएस अगर इन्वॉल्व हो जाए तो यहाँ पर यूरेमिक फिब्रोनिस या फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा। ओके, तो ये तो था यूरेमिया के अंदर पांच चीजें आपको बता दी है। अब दो इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम या डिजीजेस आपने पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर, एक होगा नेफ्रोटिक और दूसरा नेफ्राइटिक सिंड्रोम। इन दोनों में डिफरेंस को अच्छे तरीके से देख लेना आप। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसमें भी प्रोटीन यूरिया है, नेफ्राइटिक के अंदर भी प्रोटीन यूरिया है, लेकिन नेफ्रोटिक के अंदर जो प्रोटीन यूरिया होगा वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है जिसका नाम है सिग्निफिकेंट। ओके, तो सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया होगा और प्रोटीन यूरिन के अंदर 3.5 ग्राम या इससे ज्यादा लॉस होगी इन द नेफ्रोटिक रेंज, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया और ये सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया, और ये निशानी होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। नंबर टू, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। ओके, एल्ब्यूमिन को रेफरेंस के तौर पर लिया हुआ है प्लाज्मा प्रोटीन का। तो प्लाज्मा प्रोटीन का जो एल्ब्यूमिन का लेवल है प्लाज्मा के अंदर 3 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए और वहां पे 3.5 ग्राम था, तो उसको बोलते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। इसके बाद जनरलाइज्ड एडिमा है जो कि मोस्ट ऑब्वियस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, और इसके बाद हाइपरलिपिडीमिया और लिपिड यूरिया। लिपिडीमिया ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल ज्यादा हो गया, टैग का एबनॉर्मल VLDL वगैरह, जबकि लिपिड यूरिया का मतलब है यूरिन के अंदर जो लाइपोप्रोटीन का लेवल ज्यादा हो चुका है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कॉजेस को देख लेते हैं और फिर इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी उनका क्या मैकेनिज्म है, उनकी क्या पैथोजेनेसिस है उसको देख लेते हैं। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसके अंदर जो मेन बेसिक कॉमन कॉज होगा, कॉमन पैथोफिजियोलॉजी होगी, वो होगी कैपिलरी वाल ऑफ ग्लोमेरुलस के अंदर। तो ग्लोमेरुलस एक कैपिलरी है, उसकी दीवारों के अंदर कोई मसला आ जाएगा जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन की परमिएबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अब प्लाज्मा प्रोटीन की परमिएबिलिटी क्यों ज्यादा होगी है, क्योंकि ग्लोमेरुलस की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्ट्रक्चरल या फिजिको केमिकल अल्टरेशन हो गई है। अब वो कौन कौन सी होती है उसको हमने आगे जाके देख लेना है। अब हम इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसमें प्रोटीन यूरिया, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया यानी एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया है, एडिमा और हाइपरलिपिडीमिया लिपिड यूरिया, ये क्यों होता है, अब उनका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ओके, तो पहला यह है कि ग्लोमेरुलस के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर परमिएबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कोई स्ट्रक्चरल अल्टरेशन की वजह से या फिजिको केमिकल अल्टरेशन की वजह से, उसकी वजह से प्रोटीन का लॉस होगा जिसको प्रोटीन यूरिया कहेंगे। और प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल ज्यादा होता है, एल्ब्यूमिन कम होगी तो हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाएगा, और एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा तो प्लाज्मा के अंदर जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लूइड ब्लड को लीक करने के बाद एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेसेस के अंदर आना शुरू हो जाएगी, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम हो जाएगा ओके, तो जो रीनल ब्लड फ्लो है उसकी तरफ ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वहां पर रेनिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, स्पेसिफिकली जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से। जो रेनिन होता है वो एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म के जरिए काम करता है और फाइनली साल्ट और वाटर की रिटेंशन करवा देगा। ओके, साल्ट और वाटर की रिटेंशन के साथ साथ एक और मैकेनिज्म भी चलेगा, जब इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम होता है तो इसकी वजह से ईएनपी और बीएनपी का लेवल ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो वो आगे क्या करवाना शुरू कर देते हैं, वो भी आगे इन्हीं रिटेंशन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। फाइनली होगा क्या कि जो साल्ट और वाटर को रिटेन कर रहे हो, लेकिन ये साल्ट और वाटर ब्लड से होता हुआ वापस एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस के अंदर जाना शुरू कर रहा है, तो साल्ट और वाटर रिटेंशन की वजह से यानी प्रोटीन यूरिया है प्रोटीन कंजर्व ही नहीं कर पा रही, साल्ट और वाटर की रिटेंशन हो रही है, तो एडिमा को मजीद एग्रावेट कर देगा और फाइनली जनरलाइज एडिमा क्रिएट हो जाएगा जिसको एनासार्का बोलते हैं। ओके, एनासार्का। और फाइनली होगा क्या कि जो शुरू में क्या होता है कि शुरू में एजोटीमिया, हिमाचूरिया, हाइपरटेंशन नहीं होता एट द ऑनसेट, ये लिखा हुआ है। तो ये तो था मैकेनिज्म प्रोटीन यूरिया का, हाइपो एल्बिनीमिया का और जनरलाइज एडिमा का। इसके बाद है हाइपरलिपिडीमिया क्यों होता है, उसके आगे चार मैकेनिज्म लिखे हुए हैं यहाँ पर। नंबर वन मैकेनिज्म है कि हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया तो उसकी वजह से लाइपोप्रोटीन के सिंथेसिस लीवर के अंदर बढ़ गई है,
ओके, क्योंकि जो प्रोटीन्स होती है थोड़ा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए काम करती है। लाइक अगर प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है तो वो लाइपोप्रोटीन के सिंथेसिस को कम कर देती है, लेकिन अगर कम है तो ये नेगेटिव फीडबैक के जरिए लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाती है। नंबर टू है प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो प्रोटीन यूरिया की वजह से लाइपोप्रोटीन के सिंथेसिस का एक इनहिबिटर होता है, वो लॉस हो गया है। तो नंबर वन सिंथेसिस, नंबर टू लॉस ऑफ इनहिबिशन, नंबर थ्री एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्कुलेटिंग लिपिड पार्टिकल, और नंबर फोर है कि लाइपोप्रोटीन की पेरिफेरल ब्रेक डाउन नहीं हो पा रही। इन चार कंडीशन की वजह से पहले ब्लड में और फिर उसके बाद यूरिन के अंदर लाइपोप्रोटीन का लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो कॉजेस भी देख लिया, मैकेनिज्म और पैथोजेनेसिस भी देख लिया, अब इनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो जो दो इंपॉर्टेंट डिजीज आपने नेफ्रोटिक के अंदर पढ़ने हैं वो है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस एंड मिनिमल चेंज डिजीज। जो मिनिमल चेंज डिजीज है सी फोर चेंज एंड सी फोर चिल्ड्रन, तो ये चिल्ड्रन के अंदर बच्चों के अंदर होता है, जबकि फोकल तो उसमें ये आ रहा है तो डेट मीन्स कि अडल्ट में होता है फोकल। ओके, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसके अलावा मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में भी देखने को मिलता है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस में भी देखने को मिलता है। ये वो डिसऑर्डर है जो कि नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक दोनों में आता है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव। और इसके अलावा सिस्टेमिक डिजीज ऑफ डायबिटीज मिलाइटस, उसकी कॉम्प्लिकेशन में भी देखने को ये मिलता होता है। तो ये तो था नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अब हम स्टार्ट करते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर चार चीजें होगी, हिमाचूरिया, प्रोटीन यूरिया, एजोटीमिया, हाइपरटेंशन। प्रोटीन यूरिया दोनों के अंदर है, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन यूरिया के साथ जनरलाइज एडिमा भी होता है, और वहां पे जो प्रोटीन यूरिया था वो 3.5 ग्राम या से ज्यादा का होता है, यहाँ पर उसकी वैल्यू ये नहीं होती बल्कि सब नेफ्रोटिक स्टेज में होता है। ओके, एजोटीमिया और हाइपरटेंशन इसमें होगा, जबकि यहाँ पर ऑनसेट में कोई एजोटीमिया, हिमाचूरिया, हाइपरटेंशन नहीं था। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर अजान। ओके, तो अगर आप नेफ्राइटिक सिंड्रोम को नेफ्रोटिक से कंपेयर करते हो तो जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है उसका एक्यूट ऑनसेट होता है और यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी लेजन्स होती है, ग्रैनुलोमा कह रहा हूँ मैं, ग्लोमेरुलस की, जबकि वहां पर कोई स्ट्रक्चरल या फिजिको केमिकल आल्टरेशन होती थी ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन की परमिएबिलिटी ज्यादा होती थी, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी लेजन है ग्लोमेरुलस की। ओके, और सबसे मेन चीज है कि ग्लोमेरुलस के अंदर सेल की प्रोलिफरेशन होती है, नंबर टू इसके बाद ल्यूकोसाइट की इनफिल्ट्रेशन होती है। पहले प्रोलिफरेशन के वहां पर जो सेल्स है वो एंडोथीलियम सेल वगैरह ये प्रोलिफरेट करती है, फिर ल्यूकोसाइट की इनफिल्ट्रेशन होती है, लाइक एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर न्यूट्रोफिल, क्रोनिक के अंदर मोनोसाइट, मैक्रोफेजिस, लिम्फोसाइट वगैरह ये सब चीजें आ जाएगी। ओके, जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है ल्यूकोसाइट की वजह से या किसी और चीजों की वजह से, वो कैपिलरी वाल को डैमेज कर देगा। जब कैपिलरी वाल डैमेज हो जाएगी, कैपिलरी की दीवारें टूट गई है, तो उसकी वजह से ब्लड यूरिन आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम हिमाचूरिया कहते हैं। अब इसको किस तरह से देखते हैं, आरबीसी और आरबीसी की कास्ट यूरिन में आना, तो उसको हम हिमाचूरिया कहते हैं। ओके, ठीक हो गया। और जब ब्लड यूरिन के अंदर आ रहा है तो वो ऐसे हीमोडायनेमिक चेंजेस को इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जीएफआर कम होना शुरू हो जाएगी। अब जो जीएफआर कम हुई थी वो क्लिनिकली हमें नजर आएगी इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोयूरिया। ओके, और जब जीएफआर कम आएगी तो फ्लूइड की फिल्ट्रेशन एक्सक्रेशन कम से कम होगी, फ्लूइड की रिटेंशन होगी, और फाइनली जो सल्यूट की भी रिटेंशन होगी, जिसको एजोटीमिया कहते हैं। जब भी आपको समझ आ गया होगा कि एजोटीमिया क्यों होता है, क्योंकि ब्लड इन यूरिन की वजह से जीएफआर कम हो जाती है। अब जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन दो मैकेनिज्म की वजह से हो रही है, नंबर वन है कि फ्लूइड की रिटेंशन हो रही है, नंबर टू है कि जो इस्कीमिक किडनी है, किडनी की तरफ क्या हुआ है, ब्लड फ्लो रिलेटिवली कम हो गया है, तो वहां पर क्या होगा, रेनिन प्रोड्यूस होता है, और जो रेनिन है वो आगे क्या करेगा, वो आगे एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म के जरिए वेजो कॉन्स्ट्रक्शन करवा देगा, जिसके वजह से बीपी ज्यादा हो जाएगा। अब जो एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम है वो बहुत सारी प्राइमरी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिक सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीजेस की वजह से होता है, फॉर एग्जांपल पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जिसको सिंपल GN कहते हैं, दूसरा क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, या किसी सिस्टेमिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, जिसको सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस कहते हैं। यानी आप यहां से देख सकते हो मिनिमल चेंज डिजीज है, फोकल सेगमेंटल, तो कुछ प्राइमरी होते हैं और कुछ सेकेंडरी होते हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है एसिप्टोमैटिक हिमाचूरिया या नॉन नेफ्रोटिक प्रोटीन यूरिया। तो जो एसिप्टोमैटिक और नॉन नेफ्रोटिक प्रोटीन यूरिया, या इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन होती है, वो आपको दो डिसऑर्डर में देखने को मिलती है, IgA नेफ्रोपैथी और एल्पोर्ट सिंड्रोम। ना ही ये नेफ्राइटिक है ना ही नेफ्रोटिक है। इसके बाद रैपिडली प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, तो नेफ्राइटिस है, डेट मीन्स कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर आता है। इसमें क्या होगा, किडनी का फंक्शन एक कुछ ही दिनों में खत्म होना शुरू हो जाएगा, और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है वो ये है कि आपको क्रीसेंट्स देखने को मिलती है, डेट इज वाई दिस इज कॉल्ड क्रीसेंटिक ग्लोमेरुलो
नेफ्राइटिस आगे जाके पढ़ेंगे कि क्रिसेंटिक होता क्या है। जो रैपिडली प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्लिनिकल सिंड्रोम है, एक स्पेसिफिक एटियोलॉजिकल फॉर्म नहीं है बल्कि क्लिनिकल है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलती है और किडनी का फंक्शन कुछ ही दिनों में जीरो पे आ जाएगा और डेथ भी हो सकती है। एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी इंजरी में क्या फर्क है? एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर ऑनसेट काफी ज्यादा सडन होता है, एब्रप्ट होता है। और दूसरा चीज है कि जो क्रिएटिनिन का लेवल अचानक ही सीरम में बढ़ जाएगा। नंबर थ्री ओलिगो यूरिया या एन यूरिया होगा जिसको डिक्रीज या नो यूरिन फ्लो कहते हैं। अब जो एक्यूट किडनी इंजरी है वो ग्लोमेरुलस के इंजरी की वजह से भी हो सकती है। यानी अभी हमने चार स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, ग्लोमेरुलस, ट्यूब्यूल, इंटरस्टिशियम और वेसल। ग्लोमेरुलस की इंजरी के अंदर रैपिडली प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। इंटरस्टिशियल इंजरी में भी हो सकती है, वेस्कुलर इंजरी में भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोटिक मैक्रो एंजियोपैथी, और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर भी हो सकती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज का जो कोर्स होता है या ऑनसेट होता है काफी ज्यादा स्लो होता है, प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव स्कारिंग होती है किडनी में किसी एटियोलॉजी की वजह से। तो ये मेटाबॉलिक या इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मैलिटीज की वजह से होती है। नंबर वन हाइपरफॉस्फेटीमिया, नंबर टू डिसलिपिडीमिया, नंबर थ्री मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, कभी कभार ये सिप्टोमेटिक भी होती है। एंड स्टेज रीनल डिजीज, ये इररिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन होता है, यानी अगर किडनी का इररिवर्सिबल लॉस हो जाए फंक्शन और डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ जाए तो उसको एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? बैक्टीरिया, बैक्टेरी यूरिया और पायो यूरिया। बैक्टीरिया यूरिया मतलब यूरिन के अंदर बैक्टीरिया का होना, और पायो यूरिया बैक्टीरिया और लिम्फोसाइट और कुछ टिश्यू का डैमेज यूरिन के अंदर आए तो उसको पायो यूरिया कहते हैं। ये सिप्टोमेटिक भी होता है, सिप्टोमेटिक भी हो सकता है। अगर किडनी को इन्वॉल्व करे तो पाइलोनेफ्राइटिस, अगर ब्लेडर को इन्वॉल्व करे तो ये सिस्टाइटिस कहलाता है। इसके बाद है नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द कलेक्टिंग सिस्टम, और दो चीजें होती है, नंबर वन रीनल कोलिकी पेन होता है और नंबर टू हिमाचूरिया होता है। लेकिन जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में जो हिमाचूरिया था उसमें आरबीसी और आरबीसी की कास्ट होती है, लेकिन यहाँ पे कोई आरबीसी की कास्ट नहीं होती यूरिन के अंदर। तो ये तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया और ये पूरे इस चैप्टर की बेस बनाएगा कॉन्सेप्ट। तो अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे इस वीडियो के मजीद पार्ट्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड।